कक्षा 12 में पढ़ने वाले नागरिक शास्त्र के समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत खंड ख इकाई 1 अध्याय 2 नियोजित विकास की राजनीति के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक फैसले और विकास, इस चैप्टर के अंतर्गत जो है जब वैश्विक स्तर पर लौह इस्पात की मांग बढ़ने लगी तो भारत का उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य था जहां पर लौह इस्पात का निक्षेपण भंडारण सबसे ज़्यादा था और उड़ीसा की सरकार ने इस लौह इस्पात भंडार का उपयोग पूंजी प्राप्त करने में करना चाहती थी। इसके लिए उड़ीसा की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय समझौते किए। इस समझौते के पीछे उसका उद्देश्य था कि राज्य को अधिक से अधिक विदेशी पूंजी प्राप्त हो सके और उड़ीसा के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके। परंतु उड़ीसा के उन जिलों में यह लौह इस्पात कारखाने के भंडार थे जो जिले पिछड़े हुए जिले थे या जहां पर जनजातियों की संख्या अधिक थी और वहां की जनजातियां अपने क्षेत्रों से ही अपने जीविका का कार्य चलाती थी और लौह इस्पात भंडार या कारखाने निकालने के लिए, खानों की खुदाई करने के लिए वहां के जनजातियों को विस्थापित करना पड़ता जो उनके लिए एक समस्या थी, उनकी आजीविका का साधन छीन सकता था, जिसके फलस्वरूप वहां के आदिवासियों के द्वारा लौह इस्पात भंडारण को बचाने का उन्होंने प्रयास किया, जिसके कारण वहां पर उद्योग धंधे लगाने की समस्या उत्पन्न हो गई और यहां तक कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विद्वानों ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि अगर यहाँ पर कल कारखाने या भंडारण या खानों से लौह इस्पात निकाले जाते हैं तो इस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अत्यंत ही जटिल हो जाएगी। इसलिए उस क्षेत्र के जनजातियों के विरोध का पर्यावरणविदों ने समर्थन किया, जबकि केंद्र सरकार यह चाहती है कि वहां के लौह इस्पात का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए जिससे कि विदेशी पूंजी
प्राप्त हो सके। और उड़ीसा सरकार भी यह चाहती है कि विदेशी पूंजी और रोजगार प्राप्त हो सके, परंतु वहाँ के जनजातियों एवं आदिवासियों के विस्थापन की समस्या, आजीविका की समस्या देश और राज्य के लिए एक विकट समस्या है। राजनीतिक टकराव, राजनीतिक हितों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान पीढ़ियों के हितों और आने वाली पीढ़ियों के हितों को भी लाभ हानि की तुला पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं जो जनता के विरोधी हो, अर्थात कोई भी निर्णय जनता के हित में लिए जाते हैं और विशेष करके जनता का निर्णय को महत्व दिया जाता है, इसलिए जनप्रतिनिधियों का महत्व बढ़ जाता है। और जनप्रतिनिधि जो है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः वह उस क्षेत्र की जनता को समझाने का कार्य करते हैं। उस क्षेत्र में कल कारखानों के संबंध में जो विचार उत्पन्न हुए, उस विचार के संबंध में यह कहा गया कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की राय ली जाए, अर्थात खनन वैज्ञानिकों, पर्यावरण और अर्थशास्त्रियों का विचार लिया जाए, परंतु इसके साथ ही अंतिम जो निर्णय हो वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाए, जिससे कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता को समझा सके। स्वतंत्रता के बाद देश में ऐसे अनेक निर्णय लिए गए जिनमें कोई भी निर्णय शेष निर्णयों से मुंह फेर कर नहीं किया जा सकता, अर्थात जनता के हितों को और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जा सकता है। और जनप्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही होना चाहिए।